एक ऐसा महान और चमत्कारी शिव मंदिर जहां भगवान शिव के लिंग के ऊपरी भाग के अंदर माँ गंगा का सदैव वास रहता है। इस लिंग के ऊपर से पानी आप जितना भी निकालने की कोशिश करें, उसका स्तर फिर से वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जरूर उस लिंग के नीचे कोई नदी बहती होगी या लिंग ही एक कुआं होगा, तो यह एकदम गलत है। शिवलिंग को बहुत ही ऊंचाई में बनाया गया है, इसीलिए इस तर्क का भी कोई समाधान नहीं है। भगवान शिव के कई चमत्कार हमने सुने हैं और देखे भी हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जहां आपको शिवलिंग के ऊपरी आधे भाग के अंदर से पानी निकलते हुए आपने कभी देखा हो। हमारे देश के हर मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को संजोए हुए हैं। आप जितना उन रहस्यों को अन्वेषण करेंगे, उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। इस वीडियो में हम भगवान शिव के चमत्कारी मंदिरों में से एक माने जाने वाला दक्षिण भारत में तेलंगाना स्टेट में वाडपल्ली नामक एक जगह है, जहां पर आपको श्री मीनाक्षी अगस्तेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, उसके बारे में बताने वाले हैं। वाडपल्ली एक पुण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवान शिवलिंग और भगवान नरसिम्हा स्वामी को श्री अगस्त्य मुनि ने स्थापित किया था। दोनों ही मंदिर अपने आप में चौंका देने वाले मंदिर हैं। वाडपल्ली के श्री नरसिम्हा स्वामी के मंदिर के बारे में पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, जहां पर आप श्री नरसिम्हा स्वामी के सांस लेने का सबूत आपको उस वीडियो में दिखाई देता है। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार जरूर चेकआउट करें और भगवान श्री नरसिम्हा स्वामी की इस महान महिमा को जरूर देखें। श्री मीनाक्षी अगस्तेश्वर मंदिर का जो शिवलिंग है वो लगभग 6000 साल पुराना है और काकतीय राजाओं को खुदाई के दौरान मिला था, जिसके बाद उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ियन शैली में किया। स्थल पुराण के अनुसार श्री मीनाक्षी अगस्तेश्वर मंदिर का नाम श्री अगस्त्य मुनि के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने ही इस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था। किंवदंती के अनुसार एक दिन एक शिकारी एक पक्षी का शिकार करते हुए जंगल से इस मंदिर उस पक्षी के पीछे आ पहुंचा। जब शिकारी पक्षी को मारने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट होकर उस शिकारी को रोककर उस शिकारी से कहा कि यह पक्षी मेरे शरण में आ चुका है और जो मेरे शरण में आते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तब शिकारी ने भगवान शिव से कहा कि तब तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। भगवान शिव तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने उस शिकारी को उस पक्षी के जितना मांस अपने सिर से निकालने की अनुमति दे दी, जिसके बाद उस शिकारी ने भगवान शिव के सर से उतना मांस निकाला जितना कि एक पक्षी का होता है, जिसकी वजह से भगवान शिव के ऊपरी भाग का घायल हिस्सा पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। तब माँ गंगा आई और उनके सर को पूरी तरह से धो डाला। इसीलिए कहा जाता है कि इस शिवलिंग के ऊपर भी आपको 10 उंगलियों के निशान भी प्राप्त होते हैं। इन 10 उंगलियों के निशान उस शिकारी के थे, जिसने भगवान शिव के सर से उस पक्षी जितना मांस निकाला। और शिवलिंग के अंदर का पानी माँ गंगा है, जिन्होंने भगवान शिव के सर को धोया था। इसीलिए आज भी आपको शिवलिंग के ऊपरी भाग में पूरी तरह से पानी दिखाई देता है। शिवलिंग के ऊपरी भाग का पानी का स्तर हमेशा बना रहता है और पुजारी कितनी बार भी पानी को निकाले, उसका स्तर कभी भी कम नहीं होता। अगर पानी नहीं भी निकाले तो भी वह शिवलिंग के नीचे कभी नहीं गिरता। इस पानी को भक्तों को तीर्थ के तौर पर दिया जाता है। शोधकर्ताओं ने हर तरह से इस पानी के स्तर और स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज भी इसका कोई पता नहीं चल पाया। इस महान मंदिर और भगवान शिव के इस चमत्कार को हमारा कोटि कोटि नमन है। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, इस मंदिर के टाइमिंग और इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।
एक बार चेकआउट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।